पिछले वीडियो में हमने देखा कि इनफ्लोरेसेंस के मेनली टू टाइप्स थे हमारे पास, रेसिमोज और साइमोज। और इसके भी रेसिमोज के जो हमने टाइप्स डिस्कस किए, हमारे पास रेसिमोज, रेसिम, स्पाइक, कैटकिंस, पेडिक्स, कॉरिम, कम्बल और कैपिटल। अब इनको हम नंबर वाइज ये किस प्रकार के हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये कैसे अरेंजमेंट इसका होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेसिमोज, रेसिम। ओके, रेसिमोज, रेसिम में क्या होता है कि अगर हम देखें, अगर रेसिमोज, रेसिम को आप लोग देख रहे हो तो रेसिम है, रेसिमोज टाइप मतलब कि मेन एक्सिस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या रहता है कि मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है, एक फ्लावर इधर की तरफ लगता 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 है और मेन एक्सिस ग्रो करती है, यानी अल्टरनेटिवली वन साइड वन फ्लावर, वन साइड वन फ्लावर दिस साइड। ओके, अगर इस प्रकार की कंडीशंस का इन्फ्लोरेसेंस होता है तो इसको बोलते हैं रेसिमोज, रेसिम। ये मस्टर्ड सरसों में आप लोग देखने को मिल सकता है आपको। ओके, तो ये मेन एक्सिस ग्रो करती रहेगी और जो फ्लावर है वो अल्टरनेटली दोनों साइड में लगते रहेंगे, तो इसे हम बोलेंगे रेसिमोज, रेसिम। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्पाइक। स्पाइक में हम देखते हैं कंडीशन इसी प्रकार की होती है, बट होता क्या है, इसमें फ्लावर का स्टॉक नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ये फ्लावर है, ये फूल लग गया और इसके ये जो स्टॉक है, स्टॉक बोलते हुए जैसे कि कोई फ्लावर जैसे आप पकड़ते हो, जैसे आप नॉर्मल डंडी जो पकड़ते हैं स्टॉक, ठीक है, अगर ये स्टॉक प्रेजेंट है, दैट इज अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उस फ्लावर को ससाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टर्म हमने यूज की थी लीफ में भी और यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, ससाइल यानी जिसका स्टॉक नहीं होता है। तो मतलब कि आप ये जो स्टॉक देख रहे हो ये नहीं होगा, फ्लावर डायरेक्टली मेन एक्सिस से अटैच होंगे। तो फ्लावर जो है, अगर मैं देखूँ एक इधर की साइड यहाँ पर फ्लावर लगा देता हूँ, एक इधर की साइड यहाँ लगा देता हूँ, एक इधर की साइड यह लगा देता हूँ, एक इधर की साइड यहाँ लगा देता हूँ और मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है। यह अमरेंथस के अंदर मिलता है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास अमरेंथस में ये इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। दूसरे नंबर पे जो हम बोल रहे हैं दैट इज स्पाइक, ये है। इसकी व्यवस्था किस टाइप की है, रेसिम जैसी ही है, वन साइड इधर और इधर, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें स्टॉक नहीं होते, फ्लावर डायरेक्टली टच टू द मेन एक्सिस। ओके, तीसरा है हमारे पास कैटकिन। ओके, कैटकिन में आप लोग देखेंगे, कैटकिन में क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस इसी टाइप का होता है स्पाइक टाइप का, पर उल्टा होता है। इसमें ऊपर की तरफ ग्रो ना होकर नीचे की तरफ ग्रो रहता है। जैसे कि अगर हम देखें इस प्रकार से इनफ्लोरेसेंस होता है, एक फ्लावर इधर की तरफ, एक फ्लावर इधर की तरफ, एक फ्लावर इधर की तरफ, एक फ्लावर इधर की तरफ और जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है। ये इनफ्लोरेसेंस मलबेरी यानी सहतूत में आपने देखा होगा, इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है फ्लावर नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, नीचे की तरफ, हालांकि होता क्या ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बट यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ हो रहे हैं। ओके, फिर हमारे पास क्या होता है, स्पेडिक्स। उसके बाद है हमारे पास स्पेडिक्स, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोग देखेंगे, मैं इन दोनों को रब कर देता हूँ पहले। ओके, होता क्या है,
हो गए। इस प्रकार का इन्फ्लोरिसेंस किसमें होता है? मक्की देखिए आप लोग, मेज, उसमें क्या है कि जो जिस पर फ्लावर लगना है वो मेन एक्सिस थोड़ा सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सेपल होते हैं। फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट है, जैसे मक्की के छिलके उतारते हैं, दैट आर द सेपल्स, और जो मक्की के दाने आप लोग देख रहे हो वो एक एक आप कह सकते हो कि फ्लावर थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इन्फ्लोरिसेंस जो है ये यहाँ पर अलग अलग लगे होंगे और इस तरीके से, यानी मेन जो एक्सिस है, पेंडिकुलम है, वो मोटा हो जाता है, उसके ऊपर जो है फ्लावर इस अरेंजमेंट में रखते हैं और ग्रेन जो है सेपल्स इसको कवर किए होते हैं। इस प्रकार के इन्फ्लोरिसेंस को बोलते हैं, दैट इज स्पेडिक्स, और मेज में ये देखने को मिलता है, तो एक सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास है कोरिप, कोरिप में क्या होता है कि जैसे ये मेन एक्सिस है हमारे पास, ओके दिस इज द मेन एक्सिस, ओके ये वेजिटेटिव बड है, अगर एक फ्लावर यहाँ लगा, ये लीजिए ये फ्लावर यहाँ लगा, दूसरा फ्लावर यहाँ लगा, तीसरा फ्लावर यहाँ लगा, चौथा फ्लावर यहाँ लगा, ये लो जी, ये लो, एक चीज देखी आप लोगों ने कि जितने भी फ्लावर है उनका अरेंजमेंट एक ही लाइन के अंदर है, यानी जो नीचे का फ्लावर है आप उसका स्टोक बहुत लंबा हो जाएगा पर वो अरेंजमेंट एक ही लाइन, जो बाद का फ्लावर है, जो ये ऊपर के फ्लावर है उनके स्टोक छोटे हैं, इनके स्टोक लंबे हैं, यानी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर मैनर में एक साथ अरेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोरिम। ये कैंडी टफ्ट के अंदर मिलता है, कैंडी टफ्ट में इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो अंबल है, अंबल में क्या रहता है अगर हम देखें, ओके ये है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि जो बोटनी का सेक्शन है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसको आपको कॉपी, जैसे जिस प्रकार का ये जो मैटर है हमें कॉपी पे उतारना होगा, इसको बार बार देखना होगा, तभी ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आ पाएगी, अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पीछे कर रहे हैं और एक बार देख लिया समझ लिया आ जाएगा, नहीं, इनको बार बार हम लोगों को देखना पड़ेगा, ओके। तो फिर उसके बाद है हमारे पास अंबल, अंबल में देखेंगे, अंबल में क्या होता है, अंबल का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास मेन एक्सिस, ये वेजिटेटिव बड, और जितने भी फ्लावर लगेंगे वो एक ही जगह से निकल रहे हैं। अब ये देखिए कि सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट से सारे फ्लावर निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को आप कह सकते हैं अंबल। ये किस में होता है, सेंटेला एसिटिका में होता है, जो कि इन्फ्लोरिसेंस का टाइप है। फिर उसके बाद है हमारे पास कैपिटुलम, कैपिटुलम जो लास्ट टाइप हम लोग बात कर रहे हैं, ओके कैपिटुलम, कैपिटुलम में क्या है, जो मेन एक्सिस होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है फूल के, ओके, और उसके ऊपर जो फ्लावर है वो इस तरह इस मिनर में लगे होते हैं, ओके, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इस अरेंजमेंट में होते हैं, बीच में ये फ्लावर बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेल फ्लावर हो गए, यहाँ पर फीमेल फ्लावर हो गए, तो ये प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो हमें क्या कहलाता है, कैपिटुलम, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जो टाइप्स है, और ये किसमें, मैरीगोल्ड, आपने गेंदे का फूल देखा होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से, अगर जब उसके फ्लावर वो सारे के सारे आप लोग उखाड़ के देखते हो तो नीचे आपको इस टाइप के जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स मिलती है, ओके। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्फ्लोरिसेंस, व्हाट इज द इन्फ्लोरिसेंस, इन्फ्लोरिसेंस द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस और प्लांट बॉडी, ओके, दैट कोल्ड इन दैट इज टू टाइप, रेसिमोज एंड साइमोज, रेसिमोज इन विच द मेन एक्सिस हैविंग अ वेजिटेटिव बड एंड मेन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूसली
एंड फ्लावर इमर्ज ऑन द लेटरल साइड. ओके, दीज आर सेवन टाइप्स. द वन फर्स्ट दैट इज एसिमोज रेसिन, द सेकेंड वन स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कॉरिम, अम्बल एंड कैपिटुलम. ओके, रेसिमोज रेसिन कैन बी सीन इन द मस्टर्ड स्पाइक, अमरेंथस, कैटकिन इन मेलबेरी, स्पाइक इन मैज एंड कॉरिम इन कैंडिटफ, अम्बल इन सेंटेला एसिडिका एंड कैपिटुलम इन मैरीगोल्ड. ओके, और अगर प्रैक्टिकली जब भी स्कूल्स ओपन होते हैं या और होते हैं तो हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ फ्लावर देखते हैं और उनको जो हम लोग ये व्यवस्था, क्योंकि ये डायग्रामेटिक बताना एक अलग चीज़ है, पर जब आप फ्लावर को उखाड़ कर देखते हो या फिर किसी प्लांट पर फ्लावर के अरेंजमेंट देखते हो तो उसकी पिक, रियल पिक आप लोगों के दिमाग में आती है कि किस प्रकार का अरेंजमेंट ये होता है. चलो, और फिर उसके बाद ये हमारे पास इनफ्लोरिसेंस दैट इज रेसिमोज, और फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं साइमोज की. साइमोज में क्या है, जैसे कि फर्स्ट पोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि साइमोज क्या है. साइमोज के अंदर जो मेन एक्सिस है वो ग्रो नहीं करता है, उसके टिप पर ही फ्लावर लग जाता है. सपोज कीजिए ये फ्लावर है, टिप पर फ्लावर लगे, अब ये तो ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब एक और एक्सिस बनेगा और उसके टिप पर भी फ्लावर लग जाएगा, फिर एक और एक्सिस उसके टिप पर भी फ्लावर लग जाएगा, फिर और एक्सिस, फिर उसके टिप पर भी फ्लावर लग जाएगा. इस तरीके से यानी आप देख रहे हो एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं स्कॉर्पॉइड. साइमोज का पहला एग्जांपल अगर हम कहें रेनुनकुलस के अंदर आप लोग देखने को मिल सकता है कि जो मेन एक्सिस है ग्रो कंटिन्यूसली एंड फ्लावर द न्यू एक्सिस, सॉरी मेन एक्सिस नॉट ग्रो कंटिन्यूसली बिकॉज फ्लावर इमर्ज ऑन द टिप. जहाँ पर वेजिटेटिव बड होना चाहिए था वहाँ पर क्या हो गया है, फूल लग गया है, फूल बन गया है. तो इसका मतलब अब लेटली कोई बड एक नया एक्सिस पैदा करेगी, वहाँ पर ये फ्लावर लगेंगे. इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं स्कॉर्पोड रेनुनकुलस. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है साइमोज. साइमोज में क्या रहता है, अगर साइमोज साइमोज का दूसरा पार्ट है हमारे पास हेलिकोइड. ये आप लोगों ने देखा स्कॉर्पोड हेलिकोइड में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि मेन एक्सिस यहाँ पर फ्लावर लग गया टिप पर, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर एक यहाँ पे फ्लावर लग गया, और फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, यानी एक ही साइड वहाँ. इसमें और दोनों में फर्क क्या है, टिप पर तो सबके लगते हैं बट इसमें क्या हो रहा है, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, बट यहाँ पर अगर एक साइड में ही लग रहे हैं तो अगर राइट में लग रहे हैं तो राइट और लेफ्ट में लग रहे हैं तो लेफ्ट. ओके, तो यहाँ पर इस साइड में फ्लावर लगा, फिर नया एक्सिस भी दरी पैदा होगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं हेलिकोइड. ये बिग्नोनिया के अंदर आपको देखने को मिल सकती है और इसे हम लोग हेलिकोइड. ये हमारे पास जो आप कह सकते हो दूसरा टाइप है हमारे पास साइमोज का, और कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरिसेंस भी होते हैं, विल नॉट डिस्कसिंग हेयर बिकॉज दैट इज इनफ फॉर द दिस लेवल. तो हम जो है अगले सेक्शन में कुछ टर्म्स करेंगे कि वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है जो इस फ्लावर को समझने में हमारे लिए हेल्प करेगी. थैंक यू.